हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गेल की एलपीजी पाइपलाइन में लगी आग, एक घायल। गुजरात सीएनजी गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में लीकेज। गेल इंडिया की मॉक ड्रिल, आबू रोड। गेल इंडिया के एलपीजी पाइपलाइन में लीकेज, लीकेज से लगी आग, एक ग्रामीण घायल। गुजरात गैस के सीएनजी गैस सिलेंडर से भरे मिनी ट्रक में गैस लीकेज। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, रेस्क्यू करती मेडिकल टीम, आग पर काबू पाते फायर फाइटर, कार्मिकों को निर्देश देते गेल, एचपीसीएल व आईओसीएल के अधिकारी। कुछ ऐसा ही नजारा आज मावोल के रिको ग्रोथ सेंटर में देखने को मिला। मौका था गेल इंडिया की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों व प्रशासन के तालमेल का आकलन किया गया। गेल इंडिया की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मावल रिको ग्रोथ सेंटर में गेल इंडिया के एलपीजी पाइपलाइन में लीकेज की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल के अधिकारी, डीएसपी योगेश शर्मा, तहसीलदार दिनेश साहू, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दुर्घटना स्थल पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड में पानी की बौछार की गई। आग पर काबू पाया गया। दुर्घटना के दौरान घायल को एम्बुलेंस की मदद से चिकित्सा ले जाया गया। वहीं गुजरात गैस के सीएनजी गैस सिलेंडर से भरे मिनी ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के तालमेल का आकलन किया गया। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।